अब आज की दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है। महाराज, दरोगा जी एक अजीबोगरीब मसला आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दो। जो हुक्म। महाराज की जय हो। महाराज, ये मुल्जिम जिसका नाम देवेंद्र है, 3 बार चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है और हर बार इसका यही कहना है कि पता नहीं कैसे इसके हाथ किसी अच्छी लगने वाली चीज की तरफ बढ़ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। यानी कि इसके हाथ इसके बस में नहीं रहते और इससे चोरी हो जाती है। ये तो कोई भी चोर बचने के लिए कह सकता है, मगर महाराज एक हकीकत ये है कि ये बहुत अमीर आदमी है और हर महीने हजारों रुपए दान देने और लोगों को मदद करने में लगाता है। वाकई ये तो अजीब मसला है। जी महाराज, और महाराज सब पड़ोसी और शहर के नामी लोग इसकी नेक चलनी और नेक कामों की कसमें खाते हैं। अब महाराज आप ही बताइए कि इस मुल्जिम को क्या सजा दी जाए। महाराज, ऐसा वाकया तो मैंने भी आज पहली बार सुना है। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोरी का माल ही दान करता हो? क्यों दारोगा जी? नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक जो इसने चीजें चुराई हैं, वो सब तो बड़ी ही मामूली थी। ओ, तो फिर ठीक है, उसी से पूछा जाए कि वो ऐसी मामूली चीजें क्यों चुराता है। क्यों देवेंद्र, तुम ऐसी मामूली चीजों की ही चोरी क्यों करते हो? महाराज, जब मैं चोरी करता हूँ तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, या यूं कहिए कि कुछ तरह की चीजों को देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे होश मेरे बस में नहीं रहते और मैं चोरी कर बैठता हूँ। मामला बड़ा पेचीदा है। तेनालीराम जी, आपकी सलाह में इसे क्या सजा देनी चाहिए? महाराज, सजा देने से पहले हमें ये फैसला करना होगा कि ये शख्स जिसका नाम देवेंद्र है, कसूरवार है भी या नहीं, और अगर ये कसूरवार है भी तो इसका कसूर कितना है। बात तो पते की कही है आपने। राजगुरु जी, इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है? महाराज, मेरी सोच में क्योंकि इसके दिमाग में चोरी नहीं है, इसे कसूरवार ना मानते हुए इसे समझाकर नसीहत देकर ठीक किया जाना चाहिए। तेनालीराम, तुम्हारी सोच क्या कहती है? महाराज, चूंकि इसके हाथ इसके दिमाग के कब्जे में है और मेरी सोच में दिमाग की फितरत को नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसकी सजा ये हो कि जब भी ये घर से निकले अपने हाथ बंधवा कर निकले। महाराज, एक तरीका ये हो सकता है कि इसे कुछ साल कैद खाने में रखा जाए ताकि इसका दिमाग
अपनी आदत या स्वभाव भूल जाए। आज मेरी नजर में किसी वैद्य से इसके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। महाराज, इन सब कोशिशों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिमागी सोच को तो बदला जा सकता है, मगर फितरत अगर एक बार बन जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता महाराज। ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते की दुम को कितना ही सीधा करने की कोशिश करें, लेकिन उसे सीधा नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही महाराज। अगर तेनाली राम जी की बात ठीक माने तो इसका मतलब ये होगा कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। क्यों राजगुरु जी? महाराज, अगर कोशिश की जाए तो शायद हो भी सकती है। क्यों रक्षा मंत्री जी, आपका क्या कहना है? महाराज, मैंने कभी कोशिश नहीं की। तो फिर कोशिश की जा सकती है। आप सब कोशिश कीजिए। आज से आप पांचों कुत्ते की दुम सीधी करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। इसके लिए कल आप सबको एक एक पिल्ला दिया जाएगा। उसकी खुराक और उसकी दुम सीधी करने की कोशिशों के लिए 50 अशर्फियां हर महीने दी जाएंगी। पूरे 6 महीने के बाद आप उन कुत्तों को फिर दरबार में लाएंगे। और महाराज, अगर किसी ने कुत्ते की दुम सीधी कर दी तो उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। मगर महाराज, बात तो देवेंद्र से शुरू हुई, अब मैं इसका क्या करूं? इसे एक मौका और दे दो और इसके घर वालों से कहो कि वे रोज इसके दिमाग में डालें कि इसके हाथों को चोरी नहीं करनी है और किसी अच्छे हकीम से भी इसका इलाज करवाएं। जी महाराज, ऐसा ही होगा। राजगुरु जी। ओ, रक्षा मंत्री जी। राजगुरु जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यही ना कि महाराज के इनाम का ऐलान करने पर मैं इतना खुश क्यों था? हाँ, मुझे पता था कि आप हैरान हो रहे थे मेरे खुश होने पर। हाँ, मगर इसमें इतना खुश होने की क्या बात थी? रक्षा मंत्री जी, आप सचमुच रक्षा ही करते रहेंगे, हमला नहीं करेंगे। अब इनाम का ऐलान करवा कर आपने किस पर हमला कर दिया? साफ साफ बताइए। पहले आप बताइए कि इनाम किसे मिलेगा? बताइए बताइए। उसी को जो कुत्ते की तुम सीधी करेगा। और उस कमबख्त तेनाली ने क्या दावा किया था? यही कि कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती। गया ना फंस। अगर वो कुत्ते की दुम सीधी करता है तो उसका दावा गलत होता है और वो इनाम का हकदार नहीं होगा, क्योंकि इनाम उसके इसी दावे पर लगा था। और अगर वो कुत्ते की दुम सीधी नहीं करता तो इनाम नहीं पाता। हाँ, ये तो है। रक्षा मंत्री जी, इस बार
तो चित भी मेरा और पट भी मेरा। कमबख्त कुत्ते के साथ दुम दबाकर भागेगा। हाँ हाँ, ये पहली बार होगा जब उसे इनाम नहीं मिलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कमबख्त तेनाली की हो गई। सुनिए जी, अब के पहली बार होगा जब आपको इनाम नहीं मिलेगा। इनाम तो मुझे ही मिलेगा। इनाम आपको ही मिलेगा, कौन दिलवाएगा? यही कुत्ता। अच्छा, इतना विश्वास है? हाँ वो तो है। चलो अब इस पिल्ले के खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बस आधी रोटी सुबह शाम डाल देना। बस आधी रोटी? हाँ। मगर आपको तो इसके खर्चे के लिए 50 अशरफियां हर महीना मिलेंगी। अरे उससे अपने घर का सामान डलवा लेना। अच्छा, मगर ये पिल्ला मर गया तो? नहीं मरेगा, सुबह शाम आधी आधी प्याली दूध भी डाल देना। मगर इसके अलावा और कुछ नहीं। और पानी? उसकी कोई बात नहीं, जितना मर्जी पिए। बस अभी खाना इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। कोषाध्यक्ष जी, आपके कुत्ते का क्या हाल है? मेरा मतलब है उसकी दुम कैसी है अब? वैसी ही है। कितनी कोशिशें कर चुका हूं, कमबख्त सीधी ही नहीं होती। मेरे कुत्ते की दुम भी सीधी नहीं हो रही, मगर मैं उसे प्यार से समझा रहा हूँ। उसे खुश करने के लिए मैं उसे रोज पकवान भी खिलाता हूँ, सैर करवाने भी ले जाता हूँ। मैं रोज उसके कान में कहता हूँ, तुम सीधी रख, तुम सीधी रख। मैं उसे उसकी दुम सीधी करने की बात इशारों से भी समझाता हूँ। समझ पे नहीं आ रहा और क्या करूँ। खैर आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मैं तो उसे एक हकीम को दिखा रहा हूँ। बस वो एक मलहम बना कर देता है, मैं उसी मलहम को सुबह शाम उसकी पूंछ पर लगाता हूँ। अरे कोषाध्यक्ष जी, 3 महीने तो गुजर ही गए, बस 3 ही और बचे हैं। अच्छा ये बताओ, उस कमबख्त तेनाली राम के कुत्ते का क्या हाल है? पता नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। चलो फिर तो तभी मालूम होगा जब पेशी होगी। क्या बात करते हैं आप भी कोषाध्यक्ष जी, चाहे नतीजा मालूम हो खबर रखना जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी चुप्पी खुद में एक बहुत बड़ा शोर है। यानी वो अंदर ही अंदर कुछ कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ तो कर ही रहा होगा तेनाली राम, कमबख्त तेनाली राम। मगर हमें क्या फर्क पड़ता है,
भाई आप ही ने तो रक्षा मंत्री जी से कहा है कि चित्त में भी तेनाली राम हारे और पट्ट में भी। आप समझते नहीं हैं। अरे बड़ा लालची है वो, इनाम के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बेइज्जत भी हो सकता है। किसी भी तरह ये मालूम करना होगा कि वो कर क्या रहा है। लेकिन ये तो बताइए कि ये कैसे मालूम होगा। ऐसा कीजिए, आप एक काम कर सकते हैं, कल अपने किसी अय्यार को उसके घर भेजो, ये समझाकर कि वो कुत्ते के बारे में जानकारी हासिल करके आए। ये तो हो सकता है, मगर एक बात का ख्याल रखना होगा कि तेनाली के घर आपका आदमी दोपहर को ही पहुंचे। ताकि तेनाली राम घर में ना हो। अब समझे आप। ताकि उसकी बीवी अकेली हो और आपका आदमी कुत्ते की पूंछ को देख सके, पकड़ सके और खींच सके पैसों को देते हुए, और उसे वापस टेढ़ा भी कर सके। पकड़ सके। चलो ठीक है, मैं ये काम करवा दूंगा। हाँ भैया बोलो, क्या काम है? जी मुझे कोषाध्यक्ष जी ने भेजा है, ये कुत्ते की खुराक के दाम है। जी जी जरा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, तुम यही रुको, मैं पानी यही ले आती हूँ। कहाँ है कुत्ता? ये लो पानी। ये लीजिए। क्या देखना चाह रहे थे? क्या ये ताका झाकी क्यों कर रहे थे? वो मैं सोच रहा था कि मैं आया हूँ तो कुत्ता भौंकने की आवाज नहीं आ रही। जिसके घर में गया सबके यहाँ तो कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही थी। हमारा कुत्ता सो रहा है, मगर दरवाजा खुलने पर तो उठ जाना चाहिए था ना। जब एक शेर पंजीरी पेट में गई होती है ना, तो कुत्ता तो क्या, शेर भी सोता ही रहेगा। अच्छा तो आपने अपने कुत्ते को एक शेर पंजीरी खिलाई है? आज क्या रोज ही खाता है, दोपहर को एक शेर पंजीरी जिसमें बादाम काजू किशमिश सब भरे रहते। हाँ और सुबह नाश्ते में? नाश्ते में एक शेर दूध सोने चांदी से भरे च्यवनप्राश के साथ। हाँ इतना खिलाते हैं आप उसे? और क्या, तभी तो वो सोया रहता है, ना वो हिलता है और ना उसकी पूंछ। लग गया पता जो मैं जानना चाहता था, अब चलना चाहिए। अच्छा जी अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। अरे उसकी रात की खुराक नहीं जानना चाहोगे क्या? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। तेनाली रामा।
टक टिमटा टक टिमटा टक टिमटा।